Okay, last point in properties of addition of rational numbers is existence of additive inverse. अब additive inverse क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी rational number है, p upon q, right? इस बात को सही से समझिएगा. अगर आपके पास कोई भी rational number है p upon q, तो उस rational number के लिए एक और rational number exist करता है, कुछ इस तरीके से exist करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू, तो उसके लिए एक और रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरीके से कि अगर आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर जीरो होगा. मीन्स एक रैशनल नंबर के लिए उसका एडिटिव इनवर्स आप कुछ इस तरीके से चूज करेंगे कि अगर आप उस नंबर को और एडिटिव इनवर्स दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा जीरो, राइट? तो इसी तरीके से ये था एक पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव नंबर. या फिर हम कह सकते हैं अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर है माइनस पी अपॉन क्यू, तो उसमें मैं एक रैशनल नंबर ऐड करूँगी कुछ इस तरीके से कि इन दोनों का एडिशन मेरे पास जीरो हो जाएगा, राइट? इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं कि अगर आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, इन शॉर्ट, राइट, अगर आपको एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करते हैं, जस्ट चेंज द साइन, राइट, टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर यू हैव टू जस्ट चेंज द सम. अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव नंबर. अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा उसका पॉजिटिव नंबर.